पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज स्थित नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल में अखिल भारतीय विश्वकर्मा टॉक ब्राह्मण समाज की ओर से युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें वह अपने करियर के बारे में जागरूक हो सके और अपने लिए एक अच्छा लक्ष्य बना सके। इस करियर काउंसलिंग का आयोजन दिनेश कुमार वत्स और सुशील कुमार के नेतृत्व में किया गया। इस वर्कशॉप में दिल्ली NCR से लगभग 150 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में लगभग 10th प्लस करने के बाद के युवाओं ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप में 8 सेशन आयोजित किए गए, जिसमें अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग कार्य क्षेत्रों के बारे में युवाओं को जागरूक किया, जैसे कि अपने करियर में अवसर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, IT डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर एवं IPS, पत्रकारिता के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं, शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई। संस्था अध्यक्ष दिनेश वत्स ने बताया कि युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वहीं महासचिव सुशील कुमार ने बताया कि इस करियर काउंसलिंग वर्कशॉप में दिल्ली NCR समेत कई राज्यों से छात्र छात्राएं शामिल होकर अपने करियर के बारे में जागरूक हो रहे हैं। शिक्षा जो है किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, और हमने भी पढ़ा है, हम भी पढ़ लिख के आज यहाँ पहुँचे हैं। यदि समाज का हर तबका, गरीब से गरीब घर का बच्चा पढ़ेगा, तो ये हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा प्रगतिशील और सबसे बड़ा देश बन सकता है। और इसी उद्देश्य को पाने के लिए छोटी छोटी कोशिशें हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे जहाँ तक संभव हो सकेगा। कोई राज्य, कोई शहर, कहीं भी हम इस काम करने में पीछे नहीं हटेंगे और ये काम करते रहेंगे लगातार। अच्छा, वक्ताओं की बात की जाए, अलग अलग स्टेट से वक्ता आए हैं, अलग अलग फील्ड से आए हैं, तो क्या कहना चाहिए वक्ताओं के बारे में? देखिए, हमने कोशिश की थी कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसी फील्ड के आदमी को हम लाया जाए, चाहे वो IAS है, चाहे IPS है, चाहे मेडिकल लाइन है, चाहे जुडिशरी है, चाहे मास मीडिया है, ठीक है, चाहे एजुकेशन है, हर लाइन के हम जो एक्सपर्ट उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको हमने यहाँ इकट्ठा किया है, जिससे कि बच्चों को कम से कम कैरियर्स के बारे में कुछ तो पता चले। जैसे हमारे गुरुजी वेद प्रकाश पांचाल जी ने कहा कि बच्चों को आभास होता है कि हमने कहाँ जाना है, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है, बाकी कैरियर एक्चुअल कैरियर काउंसलिंग जो है वो डिफरेंट है। उसको भी हम आगे चलने के चल उसके भी ऊपर भी कोशिश करेंगे आगे उस तरह से काम कराने की। नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल पटपड़गंज में ये आयोजित की गई है और इसमें पूरे भारत के बच्चे आए हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शहरों के बच्चों को तो काफ़ी जानकारी होती है, लेकिन ग्रामीण बच्चों को ज़्यादा वास्ट नॉलेज नहीं होती। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो है नॉलेज प्राप्त करने के लिए आए हैं। आमतौर पर होता क्या है कि बच्चों को अपने करियर के बारे में बहुत सीमित जानकारी होती है, उन्हें नहीं पता होता कि हमारी अपनी रुचि क्या है और हमें किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। आज के करियर काउंसलिंग कार्यक्रम के द्वारा हमने उनको समझने की और उनको ये जानने का प्रयास कराया है कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़कर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। सब बात की जाए, जिस तरीके सोशल मीडिया में भी करियर को लेकर अलग अलग फील्ड बताए जाते हैं, बातें की जाती हैं, तो इसमें क्या अलग है इस बात? देखिए, सोशल मीडिया जो होता है कि उसमें जो है ना ये नहीं पता चलता कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, फेक न्यूज भी बहुत आती हैं, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर उनको अपने सभी बातों का स्पष्टीकरण मिल रहा है, वो जो है जो हमारे काउंसलर हैं, जो हमारे वक्ता हैं, उनसे अपनी जिज्ञासा प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को दूर कर पाते हैं और उस कन्फ्यूजन को वो दूर कर पाएंगे। यहाँ पर किसी भी देश को, किसी भी समाज को आगे बढ़ना है तो आज सबसे पहले उसका मीडिया पर नियंत्रण होना चाहिए, और मीडिया पर नियंत्रण के लिए मीडिया की जो रचना है, मीडिया का जो स्वामित्व ढांचा है, और मीडिया के जो तकाजे हैं, मीडिया का क्यों, मीडिया क्या बात कह रही है, किसको संबोधित कर रही है, इस सब की जानकारी होना जरूरी है। ख़ास तौर से जो नौजवान पीढ़ी है उसको देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है, तो जब तक वो अपनी बात मीडिया तक नहीं पहुँचाएगा, अपने विचार किस तरह से लोगों तक पहुँचे, उन विचारों पर जनता अमल करे, तो ये सब मीडिया के द्वारा ही संभव है। तो मीडिया के महत्व को आज नकारना बहुत ही खतरनाक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के जीवन में शिक्षा है, शिक्षा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे और वह आपस को एक दूसरे को नहीं जानेंगे, तो वो
अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे आसानी से। इसलिए ये बड़ा अच्छा प्रयास है टाक्स ब्राह्मण समाज का, और मैं चाहूँगा कि ये प्रयास निरंतर चलता रहे और दिल्ली में ही नहीं बल्कि और अन्य स्टेटों में भी इसी प्रकार चलता रहे ताकि बच्चों को प्रोत्साहन मिले। काउंसलिंग में बेसिकली बच्चों को एक दिशा दिखानी चाहिए कि अगर कल को वो साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते हैं तो वो किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, वहाँ जाकर उसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं और उनको जाने के तरीके क्या क्या हैं, क्योंकि आजकल ना केवल बच्चे बट पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि उनको किस फील्ड में डालें और हर फील्ड में कितना समय लगता है और उसके बाद उसके अंदर क्या क्या वो बच्चे कर सकते हैं। तो क्योंकि आज हमारे पास मिक्स क्राउड था, हमारे पास 9वीं क्लास से बच्चे लेकर बीटेक तक के बच्चे थे, तो बच्चों के हिसाब से हमने उनकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश की है, लेकिन फिर टाइम कम था तो हमने उनको आगे बोला है कि आके हमसे मिलें कि कल को वो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ में परस्यू करके करियर एज अ जॉब लेना चाहते हैं। कल को कुछ बच्चे मेरे पास आए जो बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट हमने उनका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में एड्रेस किया। इन तस्वीरों में देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि ब्राह्मण समाज युवाओं के करियर को लेकर बहुत गंभीर है, इसके लिए उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शामिल दूर दराज से आए छात्र एवं छात्राओं ने बताया कि उनके लिए इस तरह की कार्यशाला बहुत जरूरी है। बहुत कुछ समझ में आया, जो जानकारी लेना चाहते थे वो हमें मिली है आज। हमें समझ नहीं आता था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मैडम ने समझाया हमें, बहुत सारे टीचर्स आए थे उन्होंने भी समझाया कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ठीक है। उसी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ समय में आया, आगे कुछ हम करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पेरेंट्स साथ रहेंगे तो हम कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, बस मैं इसके अलावा कुछ नहीं। घर को लेके और यहाँ को लेके बहुत, घर का अलग मैटर होता है, यहाँ की अलग वो है सोच। यहाँ में अच्छे अच्छे टीचर्स मिले और अच्छी अच्छी नॉलेज दी उन्होंने। टॉक ब्राह्मण समाज युवाओं के भविष्य को लेकर आयोजित इस सेमिनार से जहां एक तरफ समाज के युवाओं को अपने करियर के प्रति जागरूकता हासिल हुई, वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम आयोजित समिति भी इस कार्यक्रम के आयोजन से काफी उत्साहित नजर आई। प्रिंस सोलंकी के साथ रेणुका राजपूत, तेज निगाहें दिल्ली। What are you doing?